अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड प्लेस, उन वर्ड्स के बारे में जो इन चीज़ों को ये डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो वर्ड्स जो नियरनेस को एक्सप्रेस कर रहे हों, किस में, डायरेक्ट स्पीच में, उनको इंडेक्स बीच में आपको क्या करना होता है, उनको उन वर्ड से रिप्लेस करना होता है जो डिस्टेंस को शो करते हो। समझ रहे हो आप मेरे साथ, मैंने रहे। अगर आप लोगों के इस सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ये वर्ड आता है, नाउ वर्ड आता है, तो उसको आप रिप्लेस करोगे देन से। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल जहां पे लिखूंगा नहीं बल्कि बताता चलूंगा और आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारे आपको पता है कि अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती है, वीडियो लंबा बन जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप लोग ये समझ लीजिए इसके एग्जांपल को इस तरह से। अगर हम कहेंगे ही इनवाइटेड देम नाउ, तो इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे ही हैड इनवाइटेड देम देन, ही हैड इनवाइटेड देम देन, तो ये नाउ चेंज हो जाएगा देन। इसी तरह से दिस चेंज हो जाएगा दैट में। अगर उसने कहा कि दिस इज माई कार या एटसेट्रा, तो हम कहेंगे ही सेड दैट वॉज हिज कार। तो इसी तरह से दीज चेंज हो जाएगा दोज में। अगर उसने कहा हो दीज, तो हम इसमें जो ये इंडायरेक्ट स्पीच हो उसमें इसको क्या करेंगे, दोज बनाएंगे। आप इसको, आपको करना क्या है, आपको घर में जाके आप इस पर रफ पे या नोट, किसी नोटबुक पे लिख लीजिए या किसी ग्रामर को देख लीजिए, उस पे ये होंगे, फिर इनको दो तीन बार आप लिख लीजिए, उससे आपको याद रहेगा और प्रैक्टिस भी कीजिए, प्रैक्टिस से याद रहते हैं। दीज चेंज हो जाएगा दोज में, हियर चेंज हो जाएगा दियर में। अगर उसने कहा कि मैंने ये यहाँ किया, तो हम इंडायरेक्ट स्पीच में उसको कहेंगे कि उसने ये वो वहाँ किया था। तो एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि I saw him a year ago, तो मैं इसका कहूंगा I had seen him a year before। तो इसी तरह से अगर टुडे हो, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, जिस तरह से मैंने उस दिन, अगर आप लोगों को याद हो जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि I have passed the examination today, तो उसका मैंने लिखा था He said that I had passed the examination that day. तो इसीलिए, क्योंकि टुडे चेंज होता है दैट डे में, इसमें इस इंडायरेक्ट स्पीच में। टुमारो अगर आए ऐसा बोलो, तो उसके बदले में आप लोगों को लिखना होता है द नेक्स्ट डे। टुमारो का आएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का आएगा द डे बिफोर, यस्टरडे का आएगा, यानी हम पिछले दिन की बात करें तो हम कहेंगे एक दिन पहले की बात है, तो यस्टरडे के बारे में हम यस्टरडे के बदले आप लिखोगे द डे बिफोर। इसी तरह से अगर आप लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे हो, तो इंडायरेक्ट स्पीच में आप द नाइट बिफोर लिखोगे। इस तरह से और भी कुछ वर्ड्स होंगे जिनको हम चेंज करते हैं। अगर आप इतना ही याद रखोगे, इतना ही आपके लिए काफी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इस जो ये एग्जाम्पल हमने लिखी थी उस दिन, ही सेड I have passed the examination today. मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज मुतमइन हुए होंगे कि किस तरह से इसको हमने किया था, इसको चेंज किया था, कन्वर्ट किया था। अगर आप समझोगे इसको, तो आज आप खुद भी इसको करने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे he said that, तो दैट आप समझ गए होंगे जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको रिप्लेस करने के लिए हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो आई मैंने कहा था, इसका इसके बदले में हम शी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। तो शी कहेंगे क्योंकि ये उसने कहा था अपने बारे में, तो इसलिए आई नहीं आएगा बल्कि ही या शी आएगा। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे कि इसका पास्ट टेंस बनाना है, हैव का बनेगा हैड और पासड रहेगा वही पासड ही। एग्जामिनेशन वही रहेगा। तो टुडे के बदले हम लिखेंगे दैट डे। इस तरह से आपकी ये आपका ये सेंटेंस इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट
हो गया। अभी और भी कुछ बातें हैं इसके बारे में, स्टूडेंट ये लंबा टॉपिक है तो इसके बारे में हम मतलब हम इन उन सेंटेंस को जिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, बस थोड़ा सा ही है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इंग्लिश का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।